नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एरिका पाम ट्री की रिपोर्टिंग कैसे करें। तो दोस्तों, इस पाम ट्री की रिपोर्टिंग जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने के बीच कर देनी चाहिए। इस मौसम में इस पाम ट्री की रिपोर्टिंग करने से प्लांट ख़राब नहीं होते और जल्दी से ग्रो करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को निकालते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखते हुए कि गमला भी ना ख़राब हो और प्लांट भी सही तरीके से बाहर निकल जाए। जैसा आप देख रहे हैं, कितनी सारी जड़ें हो गई हैं इसमें, तो हम इसकी जड़ को काट कर अलग कर देंगे। दोस्तों, ये एरिका पाम इंडोर प्लांट है, इसे आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। ये हर मौसम में हरा भरा रहता है और देखने में भी बहुत सुंदर और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखने वाला पौधा है। दोस्तों, मैंने इसे पिछले साल ही रिपोर्टिंग की थी इस प्लांट की, फिर भी इसमें इतनी सारी जड़ें हो गई एक ही साल के भीतर। तो इसे हर साल इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, नहीं तो गमला टूट भी सकता है। ये कितनी सारी जड़ें निकल गई इसमें एक ही पेड़ में। और अगर आप और पौधे बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने निकाला है ये साइड से, वैसे आप भी उसमें निकाल सकते हैं अगर साइड में ब्रांच आई हो तो, उससे आप और भी गमले तैयार कर सकते हैं। अब इसको काट कर निकाल दीजिए। ये एक निकल गई है और ये दूसरी साइड भी, दूसरी साइड से भी आ रही है। इसको भी हम निकाल कर दूसरे गमले में लगा देंगे। ये आ रखी है इसकी ब्रांच। ये भी निकाल दिया है। गमले में, गमले के छेद ना बंद हो उसका विशेष ध्यान रखते हुए पत्थर रख दीजिए। उसके बाद फिर मिट्टी से, मिट्टी रख कर थोड़ा दबा दीजिए। उसके बाद पौधा रख कर और भी मिट्टी डाल दीजिए साइडों से और दबा दीजिए ताकि पौधा हिले ना, हिलने से पौधा ख़राब हो सकता है। हमने पौधे को रख दिया है, अब साइड से मिट्टी डालकर खूब टाइट कर दीजिए। ये दूसरे गमले भी तैयार हो गए हैं, दो गमले और तैयार हो गए हैं उससे। के बाद आप उसमें पानी डाल दीजिए और रख दीजिए। ये देखिए, तीन गमले तैयार हो गए। ये हमारा टेरिस गार्डन। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।